असलम कब एवरीवन ऑफ एन ग्रेट, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे। तो अभी हो चुका जी फोर्थ रोज़ हमारा स्टार्ट, और मैं बहुत थक गई थी, मैं सो गई थी और अभी मैं उठी तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से रेडी हो जाओ और अपना जो है दिन का रात का आगाज़ करते हैं। और अभी हो रहे 11 या 12, और बाहर चल के दिखाती हूँ मेरी बहन यार सब क्या कर रही हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे ब्लॉग को अच्छे लगे या ना लगे, आप लोगों के लिए मेहनत करती तो जल्दी से मेरा 100K करा दे। वेल हुए तो 50K भी नहीं है, चलो 50K ही करा दे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर सब क्या कर रहे हैं। बाहर देखते हैं सारे क्या कर रहे हैं। और कल एक्चुअली जो है ना, मैं बहुत देर तक जागी थी, एडिट वगैरह कर रही थी व्लॉग इस चक्कर में, और फिर बहुत देर से सोई थी, नींद पूरी नहीं थी, इसीलिए आज सो गई तो कम्प्लीट में भी व्लॉग ना बन पाया हो। आवाज़ें बड़ी आ रही है सबकी, मेरी बहन है सारी, कोई भी नज़र नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं कि देखें। एक्चुअली अमना की भी आज तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है इसीलिए वो सो रही है। सबीना पता नहीं कहाँ गई, भाभी पता नहीं कहाँ गई। छोटू जी, मम्मा बूबू, ये शैगुट बूबू, ये पता नहीं क्या इसका कुछ है। और यहाँ पे चल रही है हमारी टीवी, और आज की सेहरी बन चुकी है। मैंने सेहरी का नहीं बनाया क्योंकि जो है मैं आज लेट थी, अभी सो गई थी मैं, इसीलिए तो नहीं बनाया। अभी बाकी सारे आ जाए फिर शेरी का दिखाती हूँ। भाभी आज क्या बनाए शेरी में, अच्छा सोचे गाइस, सोच रही, भाभी को नाम नहीं आ रहा। कोरमा शेरी में कौन खाता है, मैं, हम खाते हैं। अच्छा कोरमा बनाया भाभी ने और आलू फ्राई किए हैं। यार मुझे तो आलू फ्राई और लस्सी देना भाभी प्लीज, मुझे आलू फ्राई इतने दिनों से खाए नहीं है। आज चौथवा रोज आए, चौथवा फोर्थ रोज है, वो नाम जो है तीसरे दिन खाते थे आलू फ्राई। जैसे इनमें क्या है, ये आलू फ्राई हुए हैं और एंड हम सबकी फेवरेट लस्सी। थैंक यू भाभी जान, मिंसा यू लाइक इट, मिंसा यू वांट लस्सी, मिंसा यू वांट लस्सी। ये देख लिया कि ये है क्या, फिर मैं ये करूँगी। हाँ आज हमारे यस मम्मा, सारी ले गई आपकी लस्सी, मम्मा शेब आपकी लस्सी ले गए। ये बड़ा हो चुका है अब, चलिए तो मैं सहरी करती हूँ और फिर चलो जी, तो अजान हो चुकी है, अभी मैं करती हूँ नमाज। बाहर सब ऐसे जाग रहे जैसे सुबह हो। मुझे याद है कि इंस्टाग्राम के लिए मुझे स्टोरीज बनानी है अनबॉक्सिंग की, तो ये मैं बना लेती हूँ। और आप लोगों को जैसे कि मैंने दिखाया था, ये 2 दिन पहले आया था, फर्स्ट रोज़े पे आया था मेरे पास, इसीलिए मैंने सोचा अभी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। उसके बाद ज्वेलरी आई है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी। तो पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इनकी जान छुड़ाते हैं जी। तो जी मैं ये रख रही थी, अंदर पैक कर रही थी, मुझे याद है कि किसी ने मुझसे इस बैग्स का पूछा था, तो जो मुझसे पूछ रही थी ना इसका, तो उनका जो है लिंक मैं नीचे इसी व्लॉग में डाल दूंगी, ठीक है। फर्दर जो है वरना आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके पूछ लीजिएगा, ये खुद बनाती है कस्टमाइज़, आप कोई भी चाहें तो इनसे कस्टमाइज़ बनवा सकते हैं। मैंने ये बनवाया था, ये ब्लैक वाला है, ये देखें बहुत हसीन है, बहुत प्यारा है, और ये ट्रेंडिंग चल भी रहा है। मैंने इसमें ना इस टाइप के 2 बनवाए थे, मतलब ये दो लगवाई थी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दूसरा ये मैंने मिनी वाइट बनवाया क्योंकि ये भी बड़ा ट्रेंडी आजकल चल रहा है इसीलिए। और लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, ठीक है। क्वालिटी 10x10 एंड बहुत रीजनेबल प्राइस में, आप जाएँ बाकी इनको मैसेज कीजिएगा, ये आपको बता देंगे। मॉर्निंग एवरीवन, चलिए जी तो अपने मास्क पहन लेती सबसे पहले। तो जी मैं आज जो है थोड़ा लेट उठी इसीलिए क्योंकि रात को जो है मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी, देर से सोई और फिर थोड़ा देर उठी, 3:30-4 हो गए थे उठते उठते। तो उठते ही मैंने जल्दी से फटाफट से नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है मिनसा वगैरह के साथ बैठी। अभी आज का सीन ये है कि भाभी ने बोला जल्दी से तैयार होना क्योंकि आज है हमारी इफ्तारी आयत वालों के घर, तो आज हम जाएँगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ, भाभी के घर जाएंगे, वो भी हमारी बनफ भाभी है, तो उसके घर आज हमारी इफ्तारी, उसके लिए मैं रेडी होंगी और हम सब रेडी होंगे। तो हम यार रेडी होते होते टाइम लग जाता है बहुत, हम लोग ना चीज़ें फैला देते, मैस हो जाता है ये वो, फिर इसीलिए हमने सोचा आज हम जल्दी तैयार होते ताकि हम थोड़ा सा जल्दी जाए। और लेडीज इतना टाइम हो गया, मुझे पता भी नहीं चला जी, हाँ।
मुझे लगा अभी तो 5 हो रहे होंगे और ये हम जल्दी तैयार हो रहे हैं। बस मैं अभी फटाफट से रेडी होती हूँ और चलते बनते हैं। और लेडीज क्या टाइम हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लगा अभी तो 5 हो रहे होंगे और ये हम जल्दी तैयार हो रहे हैं। बस मैं अभी फटाफट से रेडी होती हूँ और चलते बनते हैं। गाइस ये देखो मेरा मेकअप हो चुका है। बस अब जो है मैं ड्रेस ये निकाला है मैंने, सब कह रहे हैं हाँ ये भी सही है, ये अच्छा है वाइट, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे वाइट बहुत पसंद है इसीलिए। क्योंकि रेडी ये देखिए ये मैंने ड्रेस पहना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और बाकी जो है वहाँ चल के दिखाऊंगी पूरी आपकी डिटेल्स जो भी हैं। अभी बहुत जल्दी बाल मैंने बस सोच रही खोल लूँ क्योंकि बाल मेरे वैसे भी अच्छे लग रहे हैं। तो जी फाइनली ये देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने ये सही कर लिए हैं वाइट वाइट। अभी मेरी बहन आमना रेडी, ये सभी ना ये बैग को भी चाहिए, कोई भी ले लेते हैं, सभी ना को बैग चाहिए बोला। और ये मैं रेडी अलावन ये देखिए जी हम जा रहे हैं अभी, और जी जरा हम लेट लेट जा रहे हैं। चले भाई हम आ चुके हैं मिंचे जान, किधर आए हैं हम अफतारी पे। हाय हेलो जी, कब तक दरवाजा खोले, क्या कह रही हैं? लगता है हमारे साथ रमजान में प्रैंक किया। नहीं नहीं ऐसे कैसे कर सकती है ये, कदी वेखिया नहीं कचरा, कदी वेखिया नहीं ये कचरा। ओ वाह वाकई में से कचरा नहीं देखा। नन्ना जी नो दिस इज डर्टी, दिस इज कॉल्ड डर्टी, दिस इज कॉल्ड डर्टी विल सेट्स नॉट वाओ। गाड़ी में बैठे ही नहीं, ये हमारे गांव जाएगी तो क्या करेगी ये तो फिर वाओ 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 करती रहेगी। इट्स नॉट वाओ मुझे जज आते ही नहीं होगा। तो आइए अपनी दोस्तों से मिलने। बेबी हेलो खतीजा से आए, हाय सारू नो आए सारू। हाँ प्यारी लग रही, पक्का अच्छी लग रही, पक्का थैंक यू। भाभी हमें लगा है आज हमारे साथ प्रैंक कर रही है। हाँ यार आज कितना था तूने हमारे साथ धोखा किया बे, रमजान में शर्म नहीं आती हमारे साथ प्रैंक करते हुए। किसी ये तो जी टाइम होने वाला यहाँ पे लग रहा है दोस्ते कौन इन हियर आई एम। मैंने जो फुल सही से नहीं दिखाते यहाँ पे मैं सच्ची दिखाती हूँ। दुआ मिंच दुआ मिंच व्हाट यू वांट मिंच व्हाट यू वांट बस नहीं करी पड़ती तेला है यहाँ ना। Oh wow, she like it. खतीजा आपके सारे खिलौने पे कब्जा। खतीजा हमारी प्यारी है, ये सब देती है। सारू ये बच्चे 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 मुंशा जान यू लाइक इट। गाइस इनकी और ये स्ट्रगल इसकी और ये हमारी बन चुकी है चाय आफ्टर इफ्तारी वाली। आप सही है, चाय का रंग देखें आया तो हमारे टाइप की बनाना ठीक है। और ये किस जगह है तो ये बन चुकी है हमारी चाय, आ चुकी है चाय पियेंगे। चाय के साथ साथ अभी दही पकौड़े लाए क्योंकि पहले खाया नहीं इतना इसीलिए। रेडी आए है यार चाय तो उठा के दो मुझे ठंडी ना हो जाए। और इनके स्नैप पड़े गाइस अब ये अलग से बने हमारे दही पकोड़े और हम लोग चाय दही फुलकिया नहीं दही पकोड़े जो हम बनाते दही पकोड़े। अच्छा ओके मतलब ये दही फुलकी है। माय होल लाइफ वाज अ लाई, हम दही पकोड़े बनाते सभी ना बताएं गाइस। मुझे लगता था कि ये दही पकोड़े हैं, पता चला दही फुलकी है। मिंसा यार पपोइश शो क्यूट गाइस ये लड़की मुझे जबरदस्ती खिला रही है कुछ। मिंसा जान बेबी शी इज नॉट बेबी यू आर द बेबी कर ना ब्रेसेस निकाल के छोड़ेगी ये लड़की मेरे। माय दिस स्टोरीज पर हमारी याद आए नो नो
मेचो पप्पो 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 डजंट लाइक इट। अभी नीचे जाएगा, कम जान कम कम डाउन पप्पो दी जान डाउन गो 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 गो। गाइस ये देखे सारे यहाँ पे लगे, यहाँ पे हमारे बच्चे, क्या असर इनका। ये बन रहा है आफ्टर, यहाँ पे बिफोर का आफ्टर। गाइस मेरी भाभी के बाल नेचुरली हसीन है, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझ पे गई है ना इसीलिए, इसके भी बाल देखो हसीन है, इसके भी हसीन, इसके भी तो हूँ ही हसीना। हाँ यार हमारे इस तरह उतरते, पता ही हाथ लगो मेरे तो उतरते, इतनी नजर लगी है क्या बताऊं। शेक शाक शाक शेक शाक शाक। हाय व्लॉग की स्ट्रगल विद दिस बच्चोस। वो है हमारा छोटू क्यूटू मिंचो मिंसा जान, व्हाट यू डूइंग, हैरान है बच्ची ये। यार मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है, मुझे व्हाइट कलर के ड्रेसेस भी बहुत ज्यादा पसंद है। गाइस ये देखिए गैस नहीं है पर हमारी चाय, और वो भी मेरी चाय, वो भी इसकी चाय हमारी जरूरी है। कुछ भी हो जाए हम लोग चाय नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, यहाँ पे गैस चला जाता है, हैदराबाद में हमारे होता नहीं है। तो अभी सबीना ने क्या किया, ये सिलेंडर में से ही इन लोगों ने काम चला के चाय बना ली। कुछ हो ना हो चाय जरूरी है भाई, चाय थोड़ी छोड़ेंगे हम लोग, जुगाड़ी हम लोग जुगाड़ी चाय। अब देख कर आती हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किधर गए भाई, थोड़ी देर हम लाइव क्या गया, सब लोगों ने हमें अकेला छोड़ दिया, क्या हो रहा है भाई। तुम लोग हमें मुंह क्यों नहीं लगा रहे, क्या हो रहा है अमना भाई, क्या हो गया आपको भाई? हम पता है चलो भाई आ चुकी है हमारी चाय, बिस्मिल्लाह। और ये बन रही है इसकी वीडियो, वीडियो बड़े आ रहा तुम्हें मेरे व्लॉग के सामने नकरेली बन जाती हो। ये स्क्रिप्ट है अभी, देखो मैं चाय पी रही थी मुझे पता नहीं चला, इसीलिए आई वॉन्ट यू टू रिपीट इट। क्यों भाभी सही बात है, प्लीज आमना, तभी तुम्हें सब कहते हैं कि रामना को नहीं रूड। भाभी बता, हाँ मुझे कह रही थी लड़की आप ही आप आमना का क्यों रिकॉर्ड कर दी, आपको कैसे जवाब देती है, आपने भी कमेंट पढ़ा ना, ये ऐसे करती है। और सच में भाभी ये सच में भी ऐसी ऐसे ही जवाब देती है, और जब कैमरा लो कैमरा 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 कैमरा, और लोग चलने कभी नहीं है, मुंह डे कभी नहीं है, तो कामयाब फिर ऐसी शक्ल नहीं होती, ऐसी शक्लें होती है कामयाब, पता है सही, ऐसी शक्लें फेल घर में बैठी रहती है फिर, इसको ना इसको प्यार शो किया करो। सही है, तू सही है, बिल्कुल जान, इसने तो कुछ बोला भी नहीं, इसीलिए बोल रही हूँ ना जगह। भाभी ये बातें घुमा रही है, छोड़ दे इससे बात करना, हाँ भाभी ये ऐसी। और आपके साथ मूड ऑफ नहीं, ये है ही ऐसी, सब लोग मुझे कहते हैं कि आप ही आप लाती क्यों हो इसको, मुझे बोलेंगे बस बात यहीं पे खत्म करते। गाइस चाय पिए, हमें थोड़ा दिमाग हमारा काम करने लगा, इसीलिए हम इसकी शिकायतें कर रहे हैं। गाइस अब हो चुका है हमारे डिनर का टाइम, एंड हम लोगों ने ये बिरयानी बनाई है। जी मम्मा, यार पता नहीं क्यों वैसे भूख नहीं लगती, आज हम लोगों ने बातें शाते बहुत की है ना, बड़ी कचेरी वचेरी की है, तो इसीलिए हमें बड़ी भूख लगी है। यार प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीज, मतलब थोड़ा भी व्लॉग तो बनेगा, व्लॉग बनेगा बेबी, व्लॉग बनेगा। वाह हमारे बच्चे एंजॉयिंग बिरयानी, आर यू एंजॉयिंग मिंसा जान, आमना जान आर यू एंजॉयिंग टू, यस इसकी फेवरेट बिरयानी है, आर यू एंजॉयिंग। पप्पो की स्ट्रगल, और ये हमारी सबीना जान, आपको कैसी लगी, जब मैं अपनी बिरयानी खाऊं ठंडी हो जाएगी वरना। चले जी तो इनका जो है वो शहरी का सीन हो गया, तो मैंने सोचा ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे में, क्योंकि वैसे भी अभी हो चुके हैं हमारे 12 या एक समथिंग, इसीलिए ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ, अब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, बस भाई करते रहो ठीक है जी। अब रोज़ व्लॉग्स मिलने वाले आपको, और रोज़ जो है बहुत सारा प्यार शो कीजिएगा। चलो फिर मिलते, बाय बाय न्यू व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।